नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धार जिला महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर ढोल थाली ताली और नारेबाजी करते हुए लालबाग से रैली निकालकर मोहन टाकी चौराहे पर लकड़ी कंडे चूल्हे पर खाना बनाकर कुछ गरीब बच्चों को खिलाया, जिसके बाद महिला कांग्रेस द्वारा महंगाई के संबंध में राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन कलेक्टर अधीनस्थ अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि महिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस एवं खाद्य सामग्री तेल और दालों पर की गई मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। इस अवसर पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी, उपाध्यक्ष माधुरी सोनी, प्रभा बाल मुकुंद गौतम, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर सिंह छाबड़ा, अशोक सोलंकी, राजेश पटेल, पार्षद वाकिफ मोहम्मद शकील खान, रंजीता चौहान, वैशाली बबीता कुमावती आदि उपस्थित थे। इस महंगाई को कम करने के वादों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आसीन हुए थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप लोगों ने अच्छे दिनों की बातों में आकर के, महंगाई कम करने की बातों में आकर के इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चीज पर बिठा दिया, जो नाम मात्र की महंगाई। ये हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हम सभी महिलाओं ने नारेबाजी करके चूल्हे पे खाना बनाया है। ये वो उस महंगाई के लिए जो हम लोग जनता, आम जनता, गरीब लोग परेशान है। हमने ये खाना बना के गरीब बच्चों को खिलाया, क्योंकि उनके लिए एक वक्त का खाना भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो हमने प्रदर्शन किया है। और स्मृति ईरानी जी, जो कि 2013 में चिल्ला चिल्ला के कहती थी, संसद तक, गली से लेकर संसद तक चिल्लाती थी कि महंगाई के खिलाफ, जब 400 रुपए टंकी का भाव था तब वो चिल्लाती थी, हार पहन के आ जाती थी प्याज का, आज वो कहाँ है? वो संसद में क्यों बैठी है? हमारी हक की लड़ाई के लिए आप जमीन पे आए। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आज हमारे लिए, हमारे साथ खड़ी हों। जी आज आपका क्या? बिल्कुल पहुँचेगी, क्योंकि ये प्रदर्शन मैंने अकेले ने नहीं, पूरे देश भर में होगा। और मोदी जी को महंगाई को लेके एक निर्णय लेना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है, कोविड की मार से जो लोग निकले हैं वो महंगाई की मार से परेशान है। महंगाई को लेके प्रदेश स्तर पे कोई बड़ा आयोजन? हाँ बिल्कुल होगा, मेन बॉडी से भी होगा, प्रदेश लेवल पे भी होगा, राष्ट्रीय लेवल पे भी होगा। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कांग्रेस सही तरह से विरोध प्रदर्शन कर नहीं पा रही, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग हर विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। नाम बता दें आपका? विजेता त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस धार। महंगाई को लेकर किया गया है प्रदर्शन। महंगाई जो स्मृति ईरानी बोलती थी कि महंगाई थी, प्याज के वो पहन के आती थी, इतनी महंगाई है। औरतों को महंगाई, टंकी 1000 रुपये की हो गई है, दाल 140 रुपये किलो हो गया है, और टंकी वहाँ, और बिजली की बिल तो डबल आते हैं। जो इंसान 10000 रुपये सैलरी है वो कहाँ से भरेगा? रोता है मेरे दरवाजे आके कि हम कहाँ से इसका भरे, तकलीफ होती है मुझे। इसलिए हम लोग महंगाई के लिए कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ सोचे और करे कि थोड़ा महंगाई कम करें कि लोग जी खा सके। कोविड से निकले हैं लोगों, घर खाने को आनंद नहीं है, पर लोग कैसे करके अपना पूरा करते हैं। हम लोग खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।